हरियाणा के नवे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चक्की अहुदे दी सौं सीएम बनते ही किया दावा। हरियाणा च तीजी बार बनावांगे सरकार, लोक सभा दियां दस दियां दसे सीटां जितांगे। नायब सरकार च पंज कैबिनेट मंत्रियों ने चक्की सौं, पिछली कैबिनेट दे ही पंज चेहरे किते रिपीट, कोई नवा चेहरा नहीं किया गया शामिल। सीएम की कुर्सी जाण तो बाद बोले मनोहर लाल खट्टर, हाईकमान ने होर जिम्मेवारी का दिता भरोसा, लोक सभा की भी दिती जा सकती है जिम्मेवारी। सबका गृह मंत्री अनिल विज ने नवे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सहुं चुक समागम तो बनाई दूरी, अंबाला च अपने घरे दोती नाल खेड़ दे आए नजर। हरियाणा च हुई सियासी उथल पुथल ते जेजेपी ने हाले नहीं खोले पत्ते, दिल्ली च हुई मीटिंग तो बाद पहला बयान, कहा अज हुई चर्चा, कल नूं हिसार रैली च करांगे अगली रणनीति दा ऐलान। हरियाणा च सीएम बदले जाण ते भुपेंद्र हुड्डा का बीजेपी ते वड्डा हमला, क्या पांच साल दियां नाकामियां छुपाउण लई बीजेपी ने जजपा नालों तोड़िया गठजोड़, बदलिया मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारां दी दूजी लिस्ट की जा रही, अशोक गहलोत ते कमलनाथ के बेटे नूं दित्ती टिकट, बीजेपी छड़ के आए राहुल कासवां नूं राजस्थान के चुरू तो बनाया उम्मीदवार। पंजाब च रेलवे प्रोजेक्टां दे उद्घाटन नूं लैके सीएम मानदा मोदी सरकार ते निशाना, क्या पीएम पंजाब च वर्चुअली कर रहे उद्घाटन पर पंजाब सरकार नूं जानकारी तक नहीं, सानू टैलीविजन तो चल रहा पता। पंजाब विधानसभा सैशन की कार्रवाई अणमिथे समय लई मुलतवी, 3 दिन पहला ही चक्या सैशन, पहला 15 तरीक तक सद्या गया सी सैशन। कांग्रेसी विधायक प्रगट सिंह की अपनियां नूं नसीहत, किया सारे वड्डे लीडरां नूं लड़नी चाहिए है चोण, देश के लोकतंत्र नूं बचाउण लई चोण लड़ना जरूरी। बीबी जागीर कौर की 14 मार्च नूं होएगी घर वापसी, श्रोमणी अकाली दल च मुड़ शामिल होणगे बीबी जागीर कौर, सुखबीर बादल खुद जाके पार्टी च कराउणगे शामिल। लुधियाणा च पुलिस ने एमपी रवनीत पिट्टू नूं कीता हाउस अरैसट, घर के बाहर पारी पुलिस तैनात, रस्सी नाल बन्निया गया घर का मेन गेट। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ नूं मिले नवे डीजीपी, 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी ने सुरेंद्र सिंह यादव, गृह मंत्रालय ने जारी किए हुए। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, 21 राज्य, 518 संसदीय सीट, 1,00,000 से ज्यादा लोगों की राय, देश की जनता से सीधा संवाद और उनकी राय, एक सबसे बड़ा पोल, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स पर, अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल शाम 6 से रात 10 बजे 13 और 14 मार्च सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। सत श्री अकाल, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। सत वालियां खबर लेके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। शुरुआत करांगे हरियाणा के नवे मुख्यमंत्री तो, नायब सिंह सैनी हरियाणा के नवे मुख्यमंत्री बन गए ने, सहुं चुकन तो तुरंत बाद उन्होंने अपना अहुदा भी संभाल लिया। मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी दे विच उन्होंने अपना अहुदा संभालिया। सीएम बनते ही सैनी ने वड्डा दावा किया कि हरियाणा दे विच असी तीजी बार सरकार बनावांगे। उन्होंने दावा किया कि लोग सभा दियां दसे सीटां बीजेपी जितेगी और हरियाणा दे विच असी मजबूती दे नाल अगे वधांगे। उस मौके दियां तस्वीरां सामने आईया ने जिस वेले नायब सिंह सैनी ने अपना अहुदा संभालिया और मनोहर लाल खट्टर खास तौर पर इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने ही नायब सिंह सैनी नूं सीएम की कुर्सी पर बिठाया, नायब सिंह सैनी का मूँह मिठा करवाया, जिस तो बाद नायब सिंह सैनी ने भी उन्होंने तो आशीर्वाद लिया। सो तस्वीर के मनोहर लाल खट्टर नज़र आ रहे हैं नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री दे दी कुर्सी पर बिठाते हुए और उन्होंने मूँह मिठा करते हुए। उस तो बाद न्यूज 18 के नाल एक्सकलूसिव गलबात नायब सिंह सैनी वालों की गई तो उन्हें दावा किया कि हरियाणा के तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी और उस तो पहला लोग सभा दियां भी दस दियां दस सीटां बीजेपी जीतेगी। नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मंगलवार को हरियाणा की सियासत दे विच अजिहा वड्डा फेरबदल होया शायद जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मनोहर लाल मंगलवार की सवेर तक तो हरियाणा के मुख्यमंत्री सन, दोपहर होंदे ही मनोहर लाल का अस्तीफा भी आ गया। कुछ घंटिया के लिए कार्यकारी सीएम रहे, तो 5 बजे के बाद मनोहर लाल के नाम के नाल साबका सीएम लग गया। तो ठीक लोक सभा चोणों तो पहला बीजेपी ने वड्डा ओबीसी दा खेडिया। विधायक दल की मीटिंग दे विच अजिहे नाम ते मोहर लगाई जिन्हां 2014 दे विच अपने सियासी सफर की शुरुआत की सी, ते 10 सालां दे विच ही सीएम की कुर्सी तक भी पहुंच गए। वह नाम है नायब सिंह सैनी, जिन्हां ने मंच ते नाल ही बैठे मनोहर लाल के पैरीं हथ लाया ते हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री वजों हलफ लिया। केंद्रीय नेतृत्व का और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और पार्टी ने संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है उसको 100% पूरा करूंगा। चुनौतियां रहेंगी, अभी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव, व्यक्ति के साथ चुनौतियां तो होती हैं, चुनौतियों का सामना करना है। लोकसभा की 10 सीटें, बिल्कुल 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे हरियाणा की, और बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। जिक्र योग्य है कि नायब सिंह सैनी 2014 दे विच पहली बार एमएलए बने, 2016 दे विच पहली बार मंत्री बने, 2019 च पहली बार सांसद चुने गए, 2023 दे विच पहली बार बीजेपी सूबा प्रधान की जिम्मेवारी मिली, ते 2014 च एमएलए तो सियासी सफर की शुरुआत करने वाले नायब सिंह सैनी 2024 दे विच पहली बार सीएम बन गए। जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में, तो नवे सीएम नायब सिंह सैनी अगे वड्डी चुनौती मिशन 10 है कि किवें 2019 वाला नतीजा 2024 दे विच दोहराया जावे, ते इस तों अगली वड्डी चुनौती विधानसभा चोणां होणगियां कि किवें हैट्रिक वाले पासे वध्या जावे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। नवा मुख्यमंत्री बनते ही हरियाणा च कल हंगामी सैशन भी बुला लिया गया है। सवेरे 11 बजे विधानसभा का विशेष इजलास बुलाया गया है। नवी सरकार बनते सार ही, यानी चेहरे बदलते होंदे ही, नवे चेहरे सामने आते ही नवा सैशन बुला लिया गया है। और एक खबर निकल के आई है, कैबिनेट इस वेले चल रही है, जिहड़े नवे मिनिस्टर बने ने, 5 जिन्हां ने सहुं चुकी है और समेत सीएम, 6 चेहरे ने जो कैबिनेट का हिस्सा ने, उन्हां दी मीटिंग चल रही है सैक्रटरीएट दे विच, हरियाणा सिविल सैक्रटरीएट दे विच। सो ये खबर भी आ रही है कि कल विशेष इजलास, हरियाणा विधानसभा का विशेष इजलास, विशेष सैशन, आगामी सैशन कल एक दिन के लिए सद्या गया है। सवेरे 11 बजे विधानसभा का यह विशेष इजलास होएगा। इस वेले कैबिनेट मीटिंग चल रही है। जाहिर जी गल है, जिस वेले भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज होंदा जे, थोड़ा जा पिछे जाके पंजाब के घटनाक्रम देखिए 2021 के अखीर दे विच, तां उस वेले जदों चरणजीत चन्नी नूं बनाया गया सी, तां तुरंत इस तरीके नाल डिवेलपमेंट होईयां सी, जिवें अहुदा संभालिया तुरंत कैबिनेट मीटिंग, कई होर अहम फैसले, क्योंकि इलैक्शन कोड लगन वाला है अगले दिनों दे विच। और ऐसे विच जे कोई सरकार दे वड्डे ऐलान पाइपलाइन दे विच ने, या जे कोई कोई बिल नूं किसे नूं नवां रूप देना है, तां सैशन दे जरिए दिता जा सकदा। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी जुड़े ने। अंकित, बड़ी जाहिर जी गल है कि 2-4 दिन जिहड़े ने ओह बचे ने इलैक्शन कोड लगन दे विच, किसे वेले भी इलैक्शन कोड लग सकदा है। सो ये मन के चल सकते हैं कि जिहड़े कोई डिसीजन पेंडिंग ने या जिन्हां नूं सैशन दे विच ले जाना जरूरी है, इस करके सैशन बुलाया गया। बिल्कुल, जो क्योंकि एक औपचारिकता भी होती है, क्योंकि अब नया मुख्यमंत्री बना है, नई कैबिनेट बनी है, तो एक औपचारिकता है, तो उसके लिए भी नया सेशन बुलाया है। कल विधानसभा अध्यक्ष का एक बार फिर कह सकते हैं कि चुनाव होगा, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष फिर से चुने जाएंगे, तो एक बार विधानसभा का सत्र, विशेष सत्र इसलिए भी बुलाया गया है। और अभी कैबिनेट बैठक भी शुरू हो चुकी है, कैबिनेट बैठक शुरू हुई है, जो नए मंत्री बनाए गए हैं उनके साथ कैबिनेट बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी, और उसके बाद प्रेस को ब्रीफ भी करेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे और पूरी जानकारी देंगे कि क्या फैसला कैबिनेट बैठक के दौरान उन्होंने लिए हैं। और अंकित, जिवें कल सैशन दे विच एक चीज ते जिवें तुसी जिक्र कीता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाने ने, कोई नाम सामने आए ने कि जिहड़े पहलां तो स्पीकर ने, ज्ञानचंद गुप्ता रिपीट कर सकते ने या कोई चेहरा बदलिया जा सकता है, कुछ ऐसियां चर्चावां?
अभी तक जो उम्मीदें यही जताई जा रही हैं और जो खबरें आ रही हैं कि ज्ञानचंद गुप्ता को ही स्पीकर के तौर पर रिपीट किया जाएगा। जैसा कि हमने आज भी देखा कि मंत्रिमंडल में शपथ भी पुराने जो मंत्री थे उन्होंने ही एक बार फिर से शपथ ली है, तो किसी को जो है बाकी जो छोड़ दिए गए लेकिन छह जो पुराने मंत्री थे उन्होंने ही एक बार फिर से शपथ ली है। तो कहीं ना कहीं अभी पुराने ही लोगों पर दाव खेल रही है। अब जो नई सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री बने हैं, उसमें चाहे कंवरपाल हो, जेपी दलाल हो, रंजीत चौटाला हो, बनवारी लाल हो, मूलचंद हो, तो ये सारे वो चेहरे हैं जो पुराने चेहरे हैं, उन्हीं के ऊपर एक बार दाव खेला और उन्हीं को एक बार फिर से जो है मंत्री बनाया गया। तो इसी तरह से अगर कल विधानसभा का जब सेशन होगा तो उसमें जो ज्ञानचंद गुप्ता है उन्हीं के नाम के ऊपर एक बार फिर मोहर लगती हुई नजर आएगी। और जहां तक डिप्टी स्पीकर की बात है तो वो रणबीर गंगवा अभी भी है, तो उम्मीद यही जता रही है कि उन्हीं दोनों नामों के ऊपर फिर से सहमति बन सकती है। अच्छा, अगर जो इस वेले कैबिनेट मीटिंग चल रही है उसके विच कोई अहम फैसला लिया जा सकता है, कोई उम्मीद बड़ा फैसला? बिल्कुल, अभी कोई ऐसा कहा नहीं जा सकता, कोई बात अभी निकल करके सामने नहीं आई, क्योंकि अभी जैसे ही मीटिंग होगी, खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, तो उसके बाद वो फैसला बता सकते हैं कि क्या उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन जिस तरह से आपने भी बताया है कि जल्दी बहुत है और जल्दबाजी इसलिए भी है क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है लोकसभा चुनाव की और उसमें मात्र 4 या 5 दिन कह सकते हैं कि बचे हैं। तो अब नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको जो भी फैसले लेने हैं उसमें जल्दबाजी जरूर दिखानी होगी, उसमें समय बहुत कम रह गया है। तो इसलिए ही जैसे ही मुख्यमंत्री बने हैं और कैबिनेट बनी है तो तुरंत कैबिनेट बैठक बुला ली है, पदभार सेक्रेटरी में संभालते ही उन्होंने कैबिनेट बैठक। अच्छा, अंकित, अंकित एक छोटा जिहा सवाल होर, जदों भी कितने मुख्यमंत्री चेंज होंदे आ तां जिहड़े स्टेट दे वड्डे अहुदे आ पुलिस दा या सिविल दा, डीजीपी होण या चीफ सैकटरी होण, यह भी अक्सर बदल जाते हैं, कि ऐसी चर्चा है अज भी? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब चेंज होते हैं तो अगर दूसरी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो कहीं ना कहीं वो चेंजिंग्स देखने को मिलती है कि दूसरे पार्टी की सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से डीजीपी और सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, वो बदलते हुए नजर आते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर बदलाव करते हैं। लेकिन जिस तरह से भाजपा की ही सरकार है और वो मनोहर लाल जो थे वो भी भाजपा के मुख्यमंत्री थे, नायब सैनी है वो भी भाजपा के मुख्यमंत्री है, और दोनों की जहां तक बॉन्डिंग की बात की जाए तो हमने मंच के ऊपर भी देखा कि शपथ लेने के बाद वो पैर छूते तक नजर आए, पैर छू रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के। तो कहीं भी ऐसा कोई अभी तुरंत चेंज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी 4 दिन आचार संहिता के लगने वाले हैं और कि कोई बड़ा जो ब्यूरोक्रेट है उसको चेंज किया जाए, उसको हटाया जाए वहां से। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया अंकित इस जानकारी दे लई। तां कैबिनेट मीटिंग इस वेले चल रही है और विधानसभा का विशेष इजलास कल बुलाया गया है जिस दे विच स्पीकर ते डिप्टी स्पीकर की चोण मुड़ तो हुई। तो सबका सीएम मनोहर लाल खट्टर का भी बयान आया है, सीएम की कुर्सी जाने तो बाद उन्होंने कहा कि केंद्र ने होर जिम्मेवारियां देने की गल कही है। उन्होंने कहा कि जिम्मेवारी की है भी जल्दी पता चल जाएगा, लोग सभा की भी उन्होंने कहा कि जिम्मेवारी दिती जा सकती है। चर्चावां ने कि मनोहर लाल खट्टर नूं करनाल तो लोग सभा की चोण लड़वाई जा सकती। तां मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सबका सीएम जो अज इन्हां मौकियां ते भी नज़र आए ने नायब सिंह सैनी दे नाल, मौजूदा सीएम दे नाल, तां उन्हां ने जदों मीडिया दे नाल गलबात कीती तां उन्हां कहा कि पार्टी ने मैनूं होर जिम्मेवारियां देण दी गल कही है, सो वह जिम्मेवारी केंद्र च भी मिल सकती है। उन्हां कहा कि जिम्मेवारी जिहड़ी है लोक सभा दी भी दित्ती जा सकती है। अज दिन भर इस चीज़ की भी चर्चा रही है, सोर्सिस तों इह खबरां रहियां ने प्रमुखता दे नाल के करनाल तो लोग सभा चोण लड़ाई जा सकती है करनाल सीट तो मनोहर लाल खट्टर नूं। सो केंद्र दे विच भी कोई वड्डी जिम्मेवारी दित्ती जा सकती है और दिल्ली की एक चीज़ साफ है कि दिल्ली की सियासत दे विच उन्हां दी सरगर्मी हुण नज़र आ सकती है। बातचीत हुई है तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि आपको कोई और जिम्मेवारी देंगे, वो जिम्मेवारी क्या होगी मैं समझता हूँ जल्दी ही कोई ना कोई बात करके और कोई निर्णय लिया जा सकता है। हो सकता है कहीं लोकसभा के चुनाव की बात आ जाए, और क्योंकि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल एकदम निर्णय उसके होने हैं,
मुझे ऐसी संभावना है कि शायद ऐसा हो सकता है, अगर होगा तो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। तो हरियाणा च होए सरकार दे विच फेर बदल ते और जजपा नाल गठजोड़ टुटन ते कांग्रेस पार्टी का भी प्रतिक्रम आया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह सब कुछ अपनियां नाकामियां लुकाउण दे लई कीता गया है। बना चुके छत्तीसगढ़ जी कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं, जो 5 साल की फेलियर्स का जो है कैमोफ्लेज करना चाहते हैं विद इन दैट पोजीशन। पीपल हैव अंडरस्टूड, लोग समझ चुके हैं ये कभी ना जनहित का गठबंधन था ना हरियाणा के हित का था, ये ठगबंधन था। प्रेसिडेंट रूल की भी आपने मांग करी है सर? हाँ, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं ये और प्रेसिडेंट रूल के अंडर चुनाव होने चाहिए। बाहर से हुआ किया गया ये तो आप देखते हैं कि एक तो इनका सबसे पहले गठबंधन टूटा। गठबंधन क्यों टूटा, क्या कारण हुआ, इसके बारे में पता चलना चाहिए। आप देश भर में घूम रहे हैं, कभी किसी से गठबंधन कर रहे हैं, कभी किसी से कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में 5 साल आपने सरकार चलाई और जितनी बुराइयां थी आप एक धड़े के ऊपर थोप कर अपने आप को पाक साफ दिखाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को बदल रहे हैं और ये सोचते हैं कि अब इस तरह का एक और नकाब अपने चेहरे पर लाएंगे और ये कि हरियाणा की जनता को फिर से बरगला देंगे। ऐसा नहीं होगा। हरियाणा ने देख लिया, 10 साल के करीब होने को आ रहे हैं, कि जो हरियाणा में कुशासन चला है हरियाणा की जनता असलियत जान गई है। अब ये चाहे चेहरे बदलें चाहे नकाब बदलें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विकल्प कांग्रेस है और हरियाणा के लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। उधर हरियाणा के सबका गृह मंत्री अनिल विज ने समागम तो दूरी बनाई रखी और अनिल विज अंबाला दे विच अपने घर पहुंचे और अपने घर च अपनी दोती नाल खेड दे नजर आए। एक तस्वीर होर आई अनिल विज दी, असी दोने तस्वीर दिखा रहे हाँ। एक तस्वीर दे विच अपने घर अपनी दोती नाल खेड दे नजर आए और दूसरी तस्वीर दे विच गोल गप्पे खांदे नजर आ रहे ने, बड़े रिलैक्स मोड दे विच नजर आ रहे ने और गोल गप्पे खा रहे ने अपने घरे, वो अपनी दोती नाल खेड दे भी नजर आए। डांसी डांसी कैसे करते हैं।